आप जैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रचार कांग्रेस का किया था, अब कंप्यूटर बाबा एक संत महात्मा हैं तो वो राजनीतिक प्रचार क्यों कर रहे थे? उनको धार्मिक प्रचार करना था, और जिस प्रकार की भाषा वो माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कह रहे थे वो तो स्पष्ट है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। होना ये चाहिए कि उनको अपने, अगर वो बाबा हैं तो बाबा के हिसाब से करना चाहिए, न कि राजनीति जिस प्रकार से उन्होंने पूरे चुनाव में और चुनाव के पहले भी जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, वास्तव में बहुत दुखद है। ऐसे संत महात्मा नहीं होना चाहिए। और वो भी उस जगह जो अभी मैंने जिला प्रशासन की जानकारी उन्होंने मुझे बताई, उसमें बताया कि वो गौशाला की ज़मीन है, और गौशाला में तो गौशाला होना चाहिए। गौशाला में अभी जो टीवी पे आपके माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि वहाँ कोई एसी के रूम थे, आलिशान कमरे बने हुए थे, तो भाई जब गौशाला में गाय रहती है, गायों के लिए स्थान रहता है, न कि एसी और ऐसे रूम बनाए जाते हैं, तो जो गौशाला की जगह है वो गौशाला को मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार कंप्यूटर बाबा जी ने बहुत ही चुनाव के समय उनको धार्मिक, अगर वो उनके मन में भाव हैं धर्म की पताका लेके चल रहे हैं तो धर्म की बात ही करना चाहिए, इस प्रकार की राजनीति बातें उन्हें नहीं करना चाहिए। कुछ कांग्रेस के विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये तो जिला प्रशासन बताएगा जमीन कितनी है, उनके रिकॉर्ड में गौशाला क्यों दी हुई जमीन है, तो गौशाला की जगह गौशाला बनना चाहिए। कांग्रेस के विधायक भी सर उसका विरोध कर रहे हैं। साधु और शैतान के नाम पर लड़ा है वो कंप्यूटर बाबा, कहीं ना कहीं साधु तो है, तो ये कार्रवाई क्या करेगा? देखिए, मैंने कहा ना, जो कंप्यूटर बाबा जिनकी आप बात कर रहे हैं साधु है, तो साधु को साधु का ही काम करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, उनको अपनी धर्म की पताका फहराते हुए जाना चाहिए, न कि राजनीतिक मामलों में जिस प्रकार के उनके बयान आते हैं और हमने सबने देखा सुना है, बहुत ही राजनीतिक बयान उनके आए हैं जब भी उन्होंने दिए हैं। साधु संतों में कहीं ना कहीं रोष है आश्रम को लेकर? देखिए, बहुत सारे साधुओं के फ़ोन आए, वो बहुत खुश है, और जो राजनीतिक साधु होंगे उनको जरूर समस्या आई होगी। सर, 10 तारीख को आगामी जाने वाला है, उसको लेकर किस प्रकार का है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और बहुमत के साथ सावेर में भी आएगी, और प्रदेश में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलने वाली है। सिंधिया जी का कितना रोल? नहीं, सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता है, और उन्होंने पूरी मेहनत की। शिवराज सिंह चौहान हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं बैठके लिए, कहीं आमसभा लिए, तो बहुत ही मेहनत की, और उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा।